बताओ स्वाति वत्सा, मीरा इन द सिटी शुड स्टार्ट एक्चुअली, सो टेल देम अबाउट सीजन 3। गर्ल इन द सिटी में अभी तो आई थिंक जो पहले दो सीजन्स हो चुके हैं उसका एक कल्मिनेशन सा ही है ये थर्ड सीजन, जो दो सालों से मीरा करने की कोशिश में है वो फाइनली शी इज़ टेकिंग दैट डायरेक्शन नाउ इन हर लाइफ एंड फाइनली गेटिंग लर्निंग, शी इज़ फाइनली और hopefully learned from her mistakes that she's made in the past 2 years. I know that the last 2 seasons you've only seen her struggling with people and she's only gotten into trouble, lekin is saal it's only going to be make or break. Either honestly there's not much that we can say right now before you actually watch it. I'm sure even you wouldn't want to hear kyunki abhi to masti wala music band karwa do na, and it's got kafi sare twists and turns bhi hain to isliye hum aapko kuch bata nahi sakte abhi, aap dekhiyega, hum zyada kuch abhi bata nahi sakte lekin ye zarur batayenge maza pakka aane wala hai, ha aapko zarur maza aayega. Aur in Meera's journey I think like I said she's been through a lot of struggle and now she's finally taking the direction that she's always wanted to and this is it, this is make or break. Agar it can go either way, if it works out it's great, if it doesn't work out she has to go back home, so now it's what will happen. Mithila in real life, Mithila is totally different from Meera. They go always a rebel, they always want to take up challenge, you always defied convention. Here you are quite, you know, submissive, you are being dominated, you are being, you know, given a raw deal. Yes, yes. So how do you equate that, Meera and I think I don't need to equate it because they are two different people. So I don't think I need to equate it to make it because then how are they two different people? There are obviously some similarities, some things are similar, things are starkly different. But having said that, Meera is a rebel too. I mean, if it wasn't for the rebel in her, she wouldn't have left her home and come here. So I think there are some of those similarities. I've always said this, that the only difference, the major difference that exists between the two of us is that Meera's idea of romance and Mithila's idea of romance are very different, and Mithila is very old school for Meera that way. We agree. जब बताना चाहूँगी कहना चाहूँगी तब आप सुनी लोगे. यू मीन टू से गर्ल इन द सिटी में या वैसे? न्यू एंट्रेंट नहीं है वो. मैं न्यू एंट्रेंट नहीं हूँ. वी आर प्लेइंग मीराज फ्रेंड्स इन सीजन 1. आई डोंट नो इफ अ लॉट ऑफ यू पीपल डोंट नो अबाउट इट मे बी. सो आई एम समीरा एंड ऑब्वियसली ही इज कार्तिक एंड हम मीरा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. एंड हम सीज़न 1 और 2 में भी उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, पर अभी सीज़न 3 में आप लोग देखेंगे कि कैसे हम एक दूसरे को यू नो वी आर इनकरेजिंग देम एक्चुअली इनकरेजिंग ईच अदर एक्चुअली इन यू नो इन देयर करियर्स, इन देयर एंडेवर्स, इन देयर रिलेशनशिप्स एक्चुअली. एंड यस, मैं अब ज़्यादा आपको बता नहीं सकती, अदरवाइज आपको स्टोरी पता चल जाएगी. चैप्टर 1 में भी शेफ था. नहीं, मैं असली रियल लाइफ में मतलब खिलाया है मैंने लोगों को, इन दोनों को नहीं खिलाया इतना, लेकिन अदरवाइज आई एम नॉट अ गुड कुक लाइक रजत इज़ नॉट अ गुड कुक लाइक कार्तिक, बट मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट करके काइंड ऑफ सैंडविचेस, कॉफ़ी और वो सब बना लेता हूँ. सो अकॉर्डिंग टू स्वाति वो कोल्ड कॉफ़ी अच्छी बना लेता है. जस्ट अच्छी इज़ एन अंडरस्टेटमेंट. मैं बहुत अच्छी, आई शुड बी द वन सेइंग दैट, बट मुझे पता है तू क्या बोलने वाली है. सो यस, यार मैं तो मतलब अगर मेरे हाथ में छोड़ दिया ना तो यू विल सी मी इन पजामास. तो मेरी जो स्टाइलिस्ट है शी इज़ लाइक अ बून इन माई लाइफ, क्योंकि अगर इफ़ इट्स लेफ्ट टू मी तो यू विल सी मी एवरीवेयर इन पजामास. मेरे को इफ इट्स लेफ्ट टू मी और इफ इट्स नॉट लेफ्ट टू मी आई एम स्टिल ऑलवेज इन पजामास. सो आई विल ऑलवेज बी इन पजामास. हमारी फैशनिस्टा ये इसको पूछो, ये सवाल इसके लिए. स्टूडेंट्स, सो आई लाइक ड्रेसिंग अप अ लॉट.
तो मुझे ऑब्वियसली बॉलीवुड में काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे कंगना बहुत पसंद है, दीपिका ऑफ कोर्स बहुत पसंद है, सोनम आलिया भी पसंद है, आई रियली लाइक हर फैशन सेंस एक्चुअली. मीरा हैज लेफ्ट अ हैंगओवर इन टर्म्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग फॉर यू रियल लाइफ, हैव यू काइंड ऑफ No, in the sense that I have successfully managed to keep those lives separate. So even I don't think in terms of fashion that has come to me. Also naturally as Mithila, I am not very fashion conscious as a person, and it's a good question. But strangely over the last 3 years that hasn't changed. Like that hasn't had too much of an influence because that's just how I am. I'm just not very brand conscious or fashion conscious or anything of that sort. Anything that's comfortable, it's great. Real life ko chhodke real life ki baat kare to aap log kya dil ki baat sunte hain dimag se? Dil. Dil for sure. Dimag. I think hum tino ka same answer hai. Hum tino hi dimag ki kuch nahi sunte. Because hum tino hi actually zyada dil ki baat sunte hain. गाड़ी में भी हम वही कर रहे थे. हमारी सेंसलेस और दिल की बातें होती है. देयर इज नो दिमाग इन्वॉल्वड. थैंक्स गजा. या व्हिच इज अ नाइस थिंग. इट्स अ गुड थिंग टू हैव दैट कि तुम ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं हो रहे हो. सो इट्स अ नाइस थिंग. हां I right now would predominantly want to talk about Girl in the City. Of course I'm excited and I'm extremely nervous, but I will get to that when I'll cross that bridge when I get there. Anything you would like to ask? Are you excited to watch Girl in the City? Because we are. Okay, thank you. Thank you.